बीजेपी का जो एजेंट है, जो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करे, तो वो सब व्यक्ति को साथ लेकर चलना नामुमकिन है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा जी। रत्नेश जी, 13 जून को संतोष सुमन जी ने इस्तीफा दिया और 16 जून को आपको मंत्री पद का शपथ दिलाई गई। क्या नीतीश कुमार को डर था कि कहीं हमारा दलित वोट घिसक न जाए, इसके वजह से इतनी जल्दी फैसला उन्होंने लिया? क्या बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार महादलित दलित का नेता है तो वोट कैसे घिसक जाएगा है? क्या बोल दिया आप? जैसे कि बयान अगर बात की जाए, जीतन राम मांझी का सीधे तौर पे कहना है कि वो विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं लेकिन अपने ही लोगों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, तो फिर कैसे विपक्ष एकजुट हो पाएगा? जो बीजेपी का एजेंट रहेगा उसको साथ लेकर चलने जाता है, है? बीजेपी का जो एजेंट है, जो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करे, तो वो सब व्यक्ति को साथ लेकर चलना नामुमकिन है। एक तरफ जेपी नड्डा के बयान से नीतीश कुमार अलग हो गए थे कि छोटी पार्टी को समाप्त करने की कवायद में जुटी हुई है बीजेपी, और वही ललन सिंह ने एक बयान दिया कि छोटी दुकान है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उसको विलय कर लेना चाहिए। कहाँ तक क्या आप सही मानते हैं? बड़े लोग के बयान है, बड़े लोग की बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। फिर अब ये बताइए कि आप अपने विभाग में किस तरीके से आगे का सोच रखें कि किस तरीके से लोगों के कल्याण के लिए कार्य करिएगा? कुछ जो भी अधूरा काम बचा हुआ है विभाग में संतोष सुमन मंत्री जी के द्वारा, उसको हम देख करके उस पर अमल करेंगे, और जहाँ तक SC ST के लिए कोई नया विजन लाना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री का विजन तो एक अलग टाइप का है, उससे मिल करके और इसके उत्थान और कल्याण के लिए, इसके विकास के लिए, शिक्षा के लिए काम करेंगे। मैं 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की जो है बैठक होने वाली है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये 18 पार्टी एक साथ बैठेगी तो 3-3 महीने के लिए सब प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या आपका क्या राय है इस पर? उसका अपना राय है, उसका अपना राय है जो 3-3 महीने बैठेंगे। तो आखिर कौन हो सकते हैं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट? अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में जो निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का उसको मान्य होगा और वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसको मानेगा सभी शीर्ष नेतृत्व। शरद पवार का कहना था कि विपक्षी लोग जो हैं अभी तय नहीं कर पाए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। इसके बाद ललन सिंह का भी बयान आया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, तो क्या लगता है कि किन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जा सकता है? समय आने पर पता चल जाएगा। बिहार में कांग्रेस को कितना मंत्री पद मिलने वाला आपको क्या लगता है, क्योंकि 2 सीटों की मांग, 2 मंत्री पद की मांग? मंत्री का एकल अधिकार है, एकल अधिकार है, वो स्वतंत्र है, वो कैट हो किस पार्टी को देंगे नहीं देंगे उनके पर छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है दलित वंचित शोषित का आवाज़ है या नहीं, आपको क्या लगता है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद प्रमुख बनाने का काम किया, जिस समाज में पूरे 1000-1000 वोटर रहता था, 2000-2000 वोटर रहता था, और उस गांव में एक कोई बड़े लोग रहता तो वही मुखिया बनता था, उस नियम को तो तोड़ दिया 2006 में, तो आज उसको राजनीतिक सत्ता में स्तरीय पंचायत में महात्मा गांधी का जो सपना था उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साकार करके महिला पुरुष सबको, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, दलित हो महादलित, सबको समान तरह से त्रिस्तरीय पंचायत में उनको भागीदारी दिलाने का काम किया है। ये थे हमारे साथ मंत्री रत्नेश सदा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार दलित शोषित वंचितों के आवाज़ बनकर महात्मा गांधी के चलाए दिखाए रास्ते पे चल करके बिहार की राजनीति, बिहार की सामाजिक व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।